अस्सलाम वालेकुम आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नम पई क्या होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली पूरी प्लेलिस्ट देख ली होगी अगर आपने नहीं देखी तो यहां पे ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा वहां पे क्लिक करने के बाद आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लें ये 40 दिन के चिल्ले के कोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर हम सारी की सारी अपडेट्स देते हैं ज़ूम की मीटिंग से रिलेटेड और हर एक चीज से रिलेटेड असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स और सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हैं ये कोर्स टोटली फ्री है और हमेशा के लिए फ्री ही रहेगा इस कोर्स का नाम है पाइथन का चिल्ला चालीस दिन में पाइथन सीखना फोर ओनली फॉर डेटा साइंस चलिए तो नम को हम स्टार्ट करते हैं रुके 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 उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि डेटा साइंस में नूमेरिकल पाइथन का बहुत यूज़ है यानी नम का तो मैं रिपीट कर दूँ कि इस लेक्चर को या इस सेशन को कम से कम दो दफ़ा देखें एंड देन बेबहहा दफ़ा प्रैक्टिस करें लेट्स बिगेन नम जो है ये एक लाइब्रेरी है नूमेरिकल पाइथन इसका नाम है नम नूमेरिकल पी वाई पाइथन और ये कोर लाइब्रेरी है पाइथन की आ मीन टू से ये पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा काम जो है इसके थ्रू हम कर सकते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाइथन में हम क्या लिस्ट ट्रिपोल्स सेट और अदर डिक्शनरी या डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स के हिसाब से करते हैं बट नम क्यों जरूरी है नम numpy ही क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको डिफरेंट किस्म के मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए और स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन के लिए आपको पता है मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है जो मुझे जानते हैं उनको पता है आई एम नॉट एट इंग्लिश बट स्टिल थिंग इज हाउ वी कैन एक्चुअली मेक नम पाई वर्क इन पाइथन लेट्स बिगेन लाइब्रेरी का मैं बता दूं कि लोगों के लिखे हुए कोर्स होते हैं बड़े बड़े कोर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रिंट एक फंक्शन है वो किसी ने पीछे उसके पूरा कोड लिखा हुआ है कि प्रिंट की ब्रैकेट के अंदर जो जो कुछ आए वो आप नीचे आउटपुट में शो कर देंगे सिमिलरली मैंने आपको बहुत सारे इसी तरह के फंक्शंस बनाने सिखाए हुए हैं अगर आपको नहीं पता तो ऊपर ये लिंक दिया हुआ है वीडियो में वो जाके आप देख सकते हैं और इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर लीनियर एल्जबरा लाइब्रेरी टिपिकली इंटर एमकेएल और ओपन ब्लास ये दो लाइब्रेरीज ऑलरेडी मौजूद हैं इसकी बेस पे ये लाइब्रेरी बनी ये क्या होती हैं आपको पता है कि मैं मुश्किल बना के नहीं बताता किसी भी चीज़ को मैं बहुत आसान करके बताता हूँ तो इसलिए हम इनको आज नहीं देखने वाले बट वी विल डिस्कस दीज लाइब्रेरीज इन अपकमिंग सेशंस मुझे लग रहा है आपके ग़ौर से सुन रहे हैं क्योंकि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं क्यों इतना इतनेफिसाइज कर रहा हूँ उसकी रीजन ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे ना देन यू हैव टू एक्चुअली आस्क मनी क्वेश्चन एट दी एंड और जो मैं फिर मुझे पता चल जाएगा किस बंदे ने फोकस करके पढ़ा किस बंदे ने नहीं तो देन आई विल नॉट रिप्लाई टू दो पीपल हु आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन द लेक्चर्स इंस्टॉल कैसे करना है मैं अगेन बता रहा हूँ टाइम स्टैम्प यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कि वी एस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड में आपने टर्मिनल के अंदर लिखना है पिप एंड यू कैन इंस्टॉल नम पाई विद दिस फॉर एग्जाम्पल पी आई पी पिप इंस्टॉल नम पाई पिप इंस्टॉल नम पाई दिस इज गोइंग टू वर्क इन विजुअल स्टूडियो कोड के नीचे टर्मिनल में जहाँ पे आपको आउटपुट नजर आती थी आउटपुट वाली विंडो में नहीं टर्मिनल वाली विंडो में टर्मिनल टी ई आर एम आई एन ए एल टर्मिनल वाली विंडो में मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये पूछने वाले हैं एंड देन देखते हैं फिर क्या करना है जुपिटर नोटबुक अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से इंस्टॉल किया देन दिस लाइब्रेरी इज ऑलरेडी देयर यू कैन जस्ट स्टार्ट विद इम्पोर्ट एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग देन वी विल कम टूवर्ड्स हाउ टू यूज आपने सिंपल ये वाली कमांड लिखनी है एक लाइन ऑफ कोड चलाने से पहले इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी मैं बार बार बताता हूँ कि नम पाई को हमने इम्पोर्ट कर लिया आपका इतना फंक्शन भी चल सकता है बट इफ़ यू राइट एज और उसको एब्रीविएट कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आपने हमेशा नम पाई को यूज करना है क्यों नम 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 पाई ये पाँच कररेक्टर लिखने से बेहतर है आप सिर्फ दो लिख के स्टार्ट करें और आप अगर नंबर ऑफ क्लिक्स और नंबर ऑफ टाइपिंग पे जाए ना तो दिस इज़ मच फास्टर एंड अंडरस्टैंडेबल देन कंप्लीट नम पाई तो इसी तरह हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इसी तरीके से जो है वो एब्रिवियशन देने के बाद इम्पोर्ट करते हैं और ये दिखती कैसी है क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ हम ये सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं पाइथन के ऊपर भी और जुपिटर नोटबुक के ऊपर भी बट नाउ दीज लेक्चर शुड बी आई मीन यू शुड लर्न आई मीन चल मैं बाबा जी के तरीके से बता देता हूँ कि बच्चों ये लेक्चर आप सुकून से तसली से सुने देन वी विल प्रैक्टिस टूगेदर और आई एम होपफुल कि आपने अगर पिछली वीडियो देखी है मैंने आपको कहा था कि मैनुल पढ़ के आएँ अगर आपने नहीं पढ़ा आई डोंट केयर एक्चुअली क्यों क्योंकि जिस बंदे ने पढ़ना है उसने पढ़ा हुआ जिसने नहीं पढ़ना था उसने नहीं पढ़ा तो हाउ इट लुक्स लाइक आप एक वेरिएबल बनाते हैं जो मैंने बताया हुआ बड़ी दफ़ा बताया कि वेरिएबल क्या होता है इज़ इक्वल टू फिर आप लिखते हैं एन पी ये वाला फंक्शन या लाइब्रेरी की कमांड एंड देन डॉट ए रेंज अगर आप सिक्स लिखते हैं तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है मेथड्स हम इस पर बात करेंगे बट इट लुक्स लाइक दिस एरे इस तरह बनाते हैं देन नम पाई इज सिमिलर टू द लिस्ट अगर आपको पता है कि लिस्ट क्या हैं जो मैंने बताया और इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं यहां पे मैंने इसकी एग्जाम्पल भी दी लिस्ट इज इक्वल टू थ्री खमा सिक्स खमा नाइन खमा ट्वेल्व तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं और इसको प्रिंट करने के बाद हम टाइप जो लिस्ट के चेक करते हैं वो वो हमारे सामने आ जाती है देन हियर हम नम पाई और लिस्ट में क्या फर्क है नम पाई जो है दिस इज मच मच फास्टर देन लिस्ट क्यों क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी आप कह लें वो मच फास्टर है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एग्जाम्पल हैं यहां पे, मैं आपको देना चाहूंगा ये है जी आईफोन फाइव और ये है आई फोन एट प्लस सो टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा डिफरेंस है हर मॉडल में मेरे पास ये दो अवेलेबल थे मैंने आपको दिखा दिए मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्ट जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल अभी तैती दस जो नोकिया का मोबाइल था थ्री थ्री वन ज़ीरो जो हमारे थोड़े से इंग्लिश बोलने वाले बच्चे उनके लिए थ्री थ्री वन ज़ीरो जो हमारा नोकिया का सेलफ़ोन था उससे और अब के स्मार्टफ़ोन जो सैमसंग गलेक्सी का कोई फ़ोन ले लें आप हो ओप्पो का ले लें ले, या डिफरेंट किस्म के चाइनीज़ ब्रांड जो हैं या एप्पल का देख लें इनमें जितना फ़र्क है ना ये टेक्नोलॉजी में इतना फ़र्क है क्यों क्योंकि यहाँ पे हम सेम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं ठीक है आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बट हियर यू हैव टू यूज़ ओनली वन डेटा टाइप देन यू कैन स्टोर डेटा वेरी कम्पैक्टली मतलब ये कि जैसे पुरानी हार्ड डिस्क होती नहीं जैसे एक फ्लॉपी डिस्क होती थी ठीक है उसमें आप कंपैक्टली डेटा नहीं स्टोर कर सकते इतनी बड़ी फ्लॉपी होती थी और उसके अंदर डेटा सेट बहुत थोड़ा आता था मतलब केबीज में नाउ यू हैव लाइक स्मॉल मेमोरी कार्ड एंड यू कैन स्टोर अप टू जी ऑफ डेटा क्यों टेक्नोलॉजी बदल गई है और बहुत सारे लोग जो डिफरेंट इनोवेशन लेके आ रहे हैं सिमिलर टू दिस कि आप इसमें ज्यादा डेटा कम्पैक्टली स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं ग्रेट फॉर बिग नुमेरिकल ऑपरेशन अगर आपने बहुत बहुत बड़े फंक्शन लिखने अल्लाह करे आप फ्यूचर में बहुत सारी डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरें और आप डेटा साइंस के अंदर एक नया इनकलाब लेके आए पाकिस्तान में, में मेरी दुआ है आप सभी के साथ तो आपने क्या करना है आपने सिंपली बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए नम पाई यूज़ करनी फॉर नाउ जो अब तक की टेक्नोलॉजी है आज जो डेट है सेवन जनवरी 2022 आज तक की टेक्नोलॉजी में नम पाई इज मच मच फास्टर देन लिस्ट्स देन इट एक्चुअली कंज्यूम्स लेस मेमोरी एंड इज़ कन्वीनियंट टू यूज दैट मीन्स कि अगर आपके लैपटॉप बहुत स्लो हैं दैन नम्पा इज़ फार बेटर दैन लिस्ट अगर आपने बड़े बड़े डेटास के साथ ओ, खेलना है अभी बड़े बड़े डाटा बहुत आने वाले हैं आप यकीन मानें आपके कंप्यूटर्स के धुएं निकल जाने हैं बट आई वुड सजेस्ट कि अगर नम्पा या तो धुएँ थोड़े से कम निकलेंगे दैट्स द पॉइंट और ये जो धुआं है ना ये फास्ट स्पीड वाला ये वो वाला धुआं नहीं जो आपके कंप्यूटर से निकला है देन लिस्ट आर मोर लाइक अ क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल ही कहते हैं इसे चलो जो भी कहते हैं कछुआ कहते हैं जी हम तो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी आपने मैंने ये सिंबल यहाँ पे इसलिए दिया अब ये ना कोई समझे कि स्लो है पहुँच तो जाएंगे हम भाई पहुँच जाएंगे तब तक दुनिया बदल जाएगी जब तक आप इस डेटा के साथ काम करना शुरू करेंगे इसका मतलब ये भी नहीं है कि लिस्ट बहुत बुरी है यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो यहाँ पर नहीं होता दैन इट्स मच लेस एफिशेंट then numpy and then best for short codes अगर आपने short codes लिखने हैं तो आप lists को use कर सकते हैं और ये दोनों इसकी examples हैं यहाँ तक अगर आपको clear है ना तो comment section में लिख दें codenix and python codenix and python for data science codenix and python for data science यहाँ तक अगर आपको clear है ये comment section में YouTube video के लिख दें and then जी अगली बात आती है what is an array अभी अंग्रेज़ मैंने क्यों बनाया यहाँ पे मुझे और कोई अच्छी पिक्चर नहीं मिली उसकी वजह वजह यह है कि अंग्रेज़ जो है ना अंग्रेज़ों से मुराद है जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड है जितने लोग ये डेफिनेशंस वगैरह पे काम करते हैं और जो लोग टेक्नोलॉजी में आ गए हैं वो हर चीज़ को ना थोड़ा सा कम्प्लीकेटेड करके बताते हैं या हमारी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इस वजह से हमें कॉम्प्लीकेटेड लगती हैं चीज़ें फॉर दैट रीज़न आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब हाउ अंग्रेज़ डिफाइन अ थिंग और उसके बाद बताएंगे आपके बाबा जी कैसे उसको डिफाइन करते हैं तो बाबा जी का तरीका देखने के लिए इसको भी समझना जरूरी है कि आप इसे स्किप कर जाएं एन अरे व्हाट इज एन अरे अरे मैंने कल भी बताया था एरे होती है एरे बोलते हैं इसे इज अ सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द नंपाई लाइब्रेरी ठीक है नम्पाई लाइब्रेरी की सेंट्रल डेटा स्ट्रक्चर है जैसे लिस्ट टूपल सेट और ये सारा कुछ था ना पाइथन का तो ये अगर आपने नम्पाई यूज करनी है तो यू हैव टू वर्क विद एरेज एन एरे इज ए ग्रिड ऑफ वैल्यूज़ ग्रिड नहीं होता जैसे बनाया होता है एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉ डेटा हाउ टू लोकेट एन एलिमेंट एंड हाउ टू इंटरप्रेट एन एलिमेंट ठीक है वो कहता है किसी को लोकेट करना और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है? मतलब एक पूरा मैट्रिक्स बनाए वो कहता है कि एक दो तीन चार चौथे बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो लोकेट करो तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं खैर बड़ी आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ दिस इज जस्ट फॉर द डेफिनेशन रीज़न कि मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ इट हैज़ ए ग्रेड ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी इंडेक्सड इन वेरियस वेज ठीक है ग्रिड ऑफ एलिमेंट्स होता है जो बहुत सारे तरीकों के थ्रू आप उसको जो है ड्रा कर सकते हैं द एलिमेंट्स आर ऑल ऑफ द सेम टाइप रेफर टू एज द एरे डी टाइप डी टाइप क्या होती है इसको भी हम देखने वाले हैं डायमेंशनल टाइप इसे बोलते हैं कैसे देखना है वो भी है? मैं आपको बताता हूँ नहीं होना बिल्कुल भी नहीं घबराना यहां पे वीडियो को पॉज करें पानी का गिलास पकड़ें और पानी पिए मैं उतनी देर तक कॉफी का सिप लेता हूँ मैं आपको ना इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करने का भी टाइम देता हूँ पानी पी लिया आपने वीडियो नहीं ना पॉज की मुझे पता लग गया है बड़े तेज हो आप लोग मुझे चक्कर करवाते बाबा जी को गेड़े हैं The elements are of the same type, referred to as an array data. I, mean, I have told you. An array can be indexed by a tuple of non negative integers. Now, negative integers kya non negative integers? Kya negative integers are minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 without having any point or decimal values. Minus 1, minus 2, minus 3. And non negative integers can 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर नहीं पता इंटीजर्स क्या होते हैं तो भाई गूगल बाबा से जाके पूछे उन्होंने कहा कि साढ़े बाबे ने भेजा है हमारे छोटे बा ने भेजा है गूगल बाबा हमें यह बता दो कि इंटीजर क्या होते हैं एक डेफिनेशन में और एग्जाम्पल के साथ फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है फिर बाई बुलियंस बुलियंस क्या होते हैं ट्रू फॉल्स येस नो ज़ीरो वन बुलियंस जिसमें दो दो वैल्यूज हो तो बुलियंस उन्हें बोलते हैं बाय अनदर एरे एक एरे के अंदर भी दूसरी एरेज भी हो सकती हैं जैसे हम कहते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव आप छोटी छोटी एरेज भी उसके अंदर रख सकते हैं एरे वन एरे टू एरे थ्री एरे फोर और इसको बाहर से बड़ी एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ परेशान नहीं होने देना मैंने आपको आप फिर भाग जाते हैं अगर परेशान हो तो और बाय टीचर्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद नम पाए इज सिमिलर टू लिस्ट ये हो गया था ये अंग्रेजों का तरीका हो गया एंड देन अंग्रेज कहता है कि रैंक होता है एक चीज का ना एरे का द रैंक ऑफ एन एरे इज द नंबर ऑफ डायमेंशन कि कितनी डायमेंशन है एरे की कौन क्या डायमेंशन क्या होती है उसको भी देखते हैं और मैं आपको शेप के बारे में बता दूं कि द शेप ऑफ एन एरे इज टुपल ऑफ इंटीजियर टुपल क्या होता है अभी आप यहां पे फंसेंगे अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए ये मैं आपको कहता हूं कि आप ट्रुपल्स को देखें और टुपल ऑफ इंटीजर्स क्या होता है वो बना के नीचे कमेंट में लिखें ट्रुपल ऑफ़ इंटीजियर्स बना के नीचे कमेंट्स में लिखें ट्रुपल ऑफ इंटीजर आई एम रिपीटिंग इट ट्रुपल ऑफ इंटीजियर्स बना के कमेंट में लिखें द साइज ऑफ एन एरे ए अलोंग ईच डायमेंशन अभी तक दो कमेंट्स हो गए मैं गिन भी रहा हूं ठीक है लेट्स गो टू फर्दर आ गया अभी बाबा जी का तरीका बड़ा आसान बहुत ही आसान यकीन माने इतना आसान है कि परेशान हो जाएंगे कैसे जी बाबा जी फरमाते हैं यानी कि मैं आपको पता है यार ये चिल्ला हो रहा है तो आपका बाबा मैं ही हूं ना यहाँ पे वट इज एन एनर हमने ये सारी डेफिनेशन को आप देसी तरीके से देखना है क्या जी मैं एक मिसाल देता हूं एक शॉपर पर ले आप ठीक है और आप एक दुकान पर जाते हैं जहां पर पकौड़े समोसे और रायता मिल रहा है ठीक है आपने कहना है कि यार ये शॉपर पकड़ो इस शॉपर के अंदर एक साइड पे समोसे रख दो दूसरी साइड पे पकोड़े साथ लगा दो और तीसरी साइड पे उसके रहते की या चटनी की एक थैली रख दो आप उसे फोल्ड करते हैं और वो एक शॉर्मे की तरह से ना लंबा सा बन जाता है बैग ठीक है जैसे आप फोल्ड करते हैं उसे अब उस शॉपर के अंदर जो चीज़ें की वैल्यू है ना दैट्स एक्चुअली एन एरे लाइक पाँच रुपये के समोसे इतने के मिलते नहीं है आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ैम्पल पाँच रुपए के पकौड़े ये मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ पुराने दौर की इतना भी पुराना नहीं खैर और पाँच रुपये का रायता तो जब आप तीनों को एक सीरीज में रखेंगे ना वन अगेंस्ट अनदर फॉर एग्ज़ाम्पल असेंबली में बच्चे सुबह को खड़े होते हैं वो क्या बना के खड़े होते हैं एरेज बना के खड़े होते हैं बच्चे सीधी लाइनें बनी होती हैं या, या जब फौजियों की आप परेड देखते हैं तो वो क्या होती है वो सीधी लाइन्स जो जा रही होती हैं वो उनकी एरे होती है और जो इस साइड पे होती है वो टू डायमेंशनल एरे होती है वन डायमेंशनल एर एर क्या अगर आप एक ही रो को देखें फ़ौजियों की या बच्चों की असेंबली में कि ये फिफ्थ क्लास के बच्चे इस लाइन में खड़े हो जाएं जी तो वो फिफ्थ क्लास के बच्चों की एरे है ठीक है और सेवन्थ क्लास के बच्चे दूसरे में खड़े हो जाएँ वो उनकी एरे है अब अगर आप उन दोनों को वन टू टेन तक क्लासेज के बच्चों को खड़े करके एक, -एक उनकी लाइन बनाए ठीक है तो उनमें जो एक सिंगल होगी वो उनकी वन डायमेंशनल एरे होगी ठीक है ये वन डायमेंशनल एरे है यहाँ तक आपको समझ आ गई एक और मिसाल दे देता हूँ आपको क्यों भाग रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हैं शवारमा लेने जाते हैं आप बड़े लोग खाते हैं शवारमा जब उसको आप कटवाते हैं एक दो तीन चार पीसेज में या छः पीसेज में या एक पीसेज में जैसे भी कटवाते हैं सेंटर से तो वो जो सीरीज के अंदर पीसीस बड़े होते हैं ना दैट्स एक्चुअली एन एरे ठीक है अब इससे ज्यादा भी कोई बड़ी मिसाल नहीं है केक रस का डब्बा लेने जाते हैं केक रस के डब्बे के अंदर जिस तरह स्टैक करके उन्होंने केक रस रखे होते हैं दैट्स एन एरे ठीक है तो इस तरह की बड़ी बड़ी मिसालें हैं जो आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द अभी आपने तीसरा कमेंट में लिखना है कि ये भी एक एरे है कौन सी वो आप अपनी डेली लाइफ में से उसकी एग्जाम्पल निकालें और उसकी एरे बना के मुझे सेंड करें ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अभी यहाँ पे ये तो होगी वन डायमेंशनल एरे ठीक है अभी टू डायमेंशनल एरे भी होती है क्या कि कुछ चीज़ें इस साइड पे हैं कुछ चीज़ें है इस साइड पे हैं मिठाई की दुकान पे आप जाते हैं बर्फियाँ रखी होती हैं उन्होंने हाय मुंह में पानी आ गया बर्फियां रखी होती हैं उन बर्फियों की जो डायरेक्शन होती है ना डिफरेंट इस साइड पे भी जा रही होती हैं और दूसरी साइड पे भी जा रही होती हैं और उन्होंने पूरी एक ट्रे सजाई होती है रसगुल्लों की ट्रे सजाई होती है ठीक है चमचम -चम, ये सारी चीजों की ट्रे सजाई होती है एक्चुअली दे डोंट नो बट एक्चुअली दे आर मेकिंग एन एरे फ्रॉम नम पाई तो आइंदा के लिए जितने भी कोडर्स हैं ना जब बाहर कोई भी चीज़ देखेंगे उनको एरे अरे अरे नजर आएगी और आप कहेंगे अरे ये तो यार हमारे ने बताया था अरे ये तो हमारे ने बताया था दैट्स एक्चुअली एन एरे तो बनानी कैसे है सिंपली ये पाँच 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 की मैंने कैसे बनाई इम्पोर्ट नम पाई एज एन पी एंड देन अ वेरिएबल ऑफ फॉर एन एरे ए वेरिएबल के अंदर एन पी डॉट एरे मैंने स्टोर की स्टोर करने के बाद उसको अंदर मैंने फाइव 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 की वैल्यूज़ रख दी ये हम जरूर बना के देखेंगे दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने किस तरीके से बनाना है ऊपर तीन पाँच है तीन दफ़ा पाँच आए हैं और नीचे मैंने छः दफ़ा लिखे हैं इट डजेंट मैटर क्योंकि यहाँ यहाँ पे तीन लिखूंगा ना तो ये तीन दफ़ा रहेगा तो ये एक एरे है ठीक है अब बताएं लेक्चर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना और कितना आसान है यही आप किसी अंग्रेज से पढ़िएगा देन मुझे बताइएगा वो क्या कहता है अभी एग्जाम्पल्स के तौर पे ये पहली एग्जाम्पल मैंने एक एरे के लिए इम्पोर्ट नम फाई एज एन पी ए इज इक्ल टू एन पी डॉट एरे फाइव 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 यहाँ पर आ गई ये ठीक है अब मैंने एक कोमा यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया ये एक एरर है आप लगा के देखें कि चलता है कि नहीं चलता मैं खुद बता रहा हूं वरना मैं कह देता है एरे में एरर है चेक करें टाइप ए जब आप टाइप लिखते हैं ना कि ए की टाइप क्या है देन इट टेल्स अस लाइक नम पाई की टाइप है इसकी नोमरिकल ऑफ पाइथन जो है उस ऑपरेशन की टाइप है एंड डॉट एनडी एरे है एरे का तो पता चल गया एन डी क्या है एन डायमेंशनल एरे कि इसमें नंबर ऑफ डायमेंशन कोई मेंशन है 1D 2D वन डी या टू डी 1D, 2D डी 3D. 1D क्या होता है वन डायमेंशन कि एक चीज सीधी जा रही है ठीक है 2D क्या होता है टू डायमेंशन अभी यहां पे मैंने आपको 1D भी बताई है यहाँ पे 2D भी बताई है ठीक है एंड देन लिस्ट ऑफ एरे आपने 2D कैसे बनानी है सिंपली लिस्ट ऑफ लिस्ट इसके अंदर एड कर देनी है ये देखें ये हमने एरे बनाई है ना इसके अंदर एक लिस्ट है ठीक है यहाँ पे भी हमने एक एरे बनाई है इसके अंदर एक लिस्ट कॉमा दूसरी लिस्ट कॉमा तीसरी लिस्ट और यहां पे आप देखें आप स्पेस कॉमे के बाद डालते हैं डिजेंट मैटर क्योंकि नंबर मैटर करता है ठीक तो है तो सेम डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप एंड देन आई हैव इनक्लोज दैट द होल थ्री लिस्ट इन एनदर लिस्ट और उसके बाहर मैंने फिर छोटी ब्रैकेट लगाई है इट्स कॉल्ड एन पी डॉट एर और बी को हम टू डायमेंशनल एंड क्यों कहते हैं एक डायमेंशन इसकी ये है और दूसरी डायमेंशन ये यह है यहाँ पे मैंने इसी डेटा सेट को एक्चुअल में आपको ड्रॉ करके भी दिखाया कि इसका मतलब क्या है दिस इज वन डायमेंशन दिस इज दियर इज फर्स्ट डायमेंशन तो अब यहां पे आपसे मेरा क्वेश्चन बनता है। वीडियो को पॉज करने के बाद कि आपने अपनी मर्जी की वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे का कोड कमेंट सेक्शन में लिखना है कितने हो गए क्वेश्चन यस एंड देन इफ वी गो टू वर्ड्स द अदर डेफिनेशन जो बहुत ही ज़रूरी हैं बहुत ज़रूरी हैं आपसे मैं बार बार कहूँगा मेट्रिक्स आपसे मैं बार बार कहूँगा वैक्टर वैक्टर और मेट्रिक्स क्या होते हैं बड़ी बिगनिंग से समझा रहा हूँ बहुत बिगनिंग से बच्चों के असम्बली की लाइन याद रखें बच्चों की असेंबली की एक लाइन जो एक तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं फ्रंट वाली साइड पे दैट्स एक्चुअली ए वेक्टर तो वन डायमेंशनल एरे को हम वेक्टर भी बोल देते हैं कैसे अ वेक्टर इज़ एन एरे विद अ सिंगल डायमेंशन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स सिंगल डायमेंशन क्या है फॉर एग्जाम्पल बच्चे सारे सीधी लाइन में खड़े हुए हैं आप उसको कहते हैं कि राइट साइड पे घूम जाए जैसे फौजी घूम जाते हैं ना तो उनके जो कॉलम होते हैं वो उनकी रोज बन जाती हैं ये अभी दो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ना सामने मुंह करके खड़े हुए हैं जब मैंने कहूंगा ना कि घूम जाएं ये ऐसे घूम जाएंगे ठीक है तो इसकी लाइन और हो जाएगी इसकी लाइन और हो जाएगी तो इट डजेंट मैटर कि रोज में आप देख रहे हैं या कॉलम में देख रहे हैं आपका वैक्टर ये होगा या ये होगा और वन डायमेंशनल एरे में इस साइड पे जाएगा या इस साइड पे जाएगा आप इसको फाइव 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 नीचे को भी कर सकते हो राइट साइड पे भी दैट्स एक्चुअली अ वेक्टर तो हमेशा जब आपको एन पी या नम पाई में कोई पूछे कि वेक्टर क्या है यू एक्चुअली नो नाउ और आप उसे डिफाइन कर सकते हैं कि यार आपको पता है कि असेंबली की लाइन होती है बच्चे इधर उधर को मुंह करके खड़े होते हैं दैट्स एक्चुअली अ वेक्टर और जब दस की दस क्लासेस की असेंबली की लाइन्स बनी हो दैट्स मैट्रिक्स सिंपल सी बात है एक लाइन को हम वेक्टर कहेंगे सारी लाइनों को मिला के हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स कह देंगे और मैट्रिक्स रेफर्स टू 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 एन एरे विद टू देमेंशन्स। टू देमेंशन्स। एक को, एक इधर इधर को को सेम शॉपर है हमने बीच में समोसे पकोड़े और रायता रख लिया था अब उसके ऊपर स्टैकिंग करने लगे हैं समोसों के ऊपर हमने कह देना उसे कि यार इसमें चिकन बिरयानी की ना एक छोटी सी बाउल बना के रख दो दूसरे पे उसे कहना चिकन पकोड़े का ना एक बाउल बना के पकोड़ों के ऊपर रख दो ठीक है तीसरे पे उसे कहना तंदूरी चिकन जो है ना वो पका के ना रायते के ऊपर रख दो ये दूसरी डायमेंशन होगी फिर उसके ऊपर हमने कहना यार जो समोसों वाली लाइन है ना उसी के ऊपर तुमने रखनी है सलाद ठीक है फिर पकोड़ों वाली लाइन है ना चिकन पकोड़ा पकोड़ा और उसके ऊपर आपने कहना कि यार करी पत्ता रख दो या कोई भी एक पत्ता रख दो देन यू से यार तंदूरी चिकन के ऊपर ना हरी मिर्च लगा के रख दो तो ये जब आप स्टैकिंग करेंगे ना एक एक चीज की दूसरे के ऊपर दैट्स एक्चुअली मेकिंग अ मैट्रिक्स तो इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल ज़बरदस्त थी एंड देन यू हैव टू मेक एनदर एग्जाम्पल तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में मुझे कौन सी डिश इंक्लूड करनी चाहिए जो आपकी फेवरेट है मुझे पता है मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे नहीं पढ़ाता बच्चों की तरह नहीं, दूसरे बंदों की तरह के आप ये कर लें वो कर लें वो अंग्रेज़ों वाली मिसालें दें यानी जस्ट इमेजिन एक्स इज दिस जस्ट इमेजिन वाई दिस आई डोंट लाइक टू टीच इन दैट वे दैट्स वाई आई एम एक्चुअली यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड रियली कल्चरल एग्जाम्पल्स इन माई कोर्स सारा कुछ इंग्लिश में हो गया शिट सॉरी यार आई डोंट वॉन्ट टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स बट एक्चुअली आई एम रियली एक्साइटेड वैन आई एम टीचिंग यू इस क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन बहुत एंड कीप दिस मोटिवेशन मैंने क्यों इतना बोला अब मैं आपसे पूछता हूँ वैक्टर और मैट्रिक्स को नीचे उर्दू में डिफाइन करें उर्दू का मतलब आप लिखें इंग्लिश में बट उर्दू लैंग्वेज में जैसे आप टेक्स्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें आज इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स होने वाले हैं एंड आई नो हु इज़ वाचिंग एंड हु इज़ नॉट वाचिंग देन सिंपल सी बात है यार बाबा जी के तरीके को फॉलो करने के लिए ना कोडेनिक्स का यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर जाएँ कोडेनिक्स लिखें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और लाइक कर दिया करें वीडियो को उसकी वजह मैं बताता हूँ आप सभी को पता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिस इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट चैनल इट्स इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग विद मोर पीपल इट्स अबाउट लाइक लर्निंग फ्रीली विद मोर पीपल अगर मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल को प्रमोट करता था ना मैं सिर्फ वीडियो डाल रहा था आई एम एक्चुअली टेकिंग क्लासेज ऑन जूम एज वेल तो आपको यहाँ पे इन्फॉमेशन मिलती जाएंगी इफ समथिंग क्रैशिज ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप देन वी विल कम्युनिकेट थ्रू यूट्यूब कमेंट सेक्शंस और मे बी डिस्कशन फॉरम तो जिसको मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम होपफुल कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब लिख दें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करने का मकसद यह कि आगे जब हम डिफरेंट किस्म की वीडियोस अपलोड किया करेंगे ना आप उकता आ जाएंगे कि यार ये बंदा अब ये चिल्ला करवा रहा है ये चिल्ला करवा रहा है तो आपको कम अज़ कम नोटिफिकेशन मिलते रहें ताकि अगर आप टेक्स्ट नहीं भी देखते तो आपको डबल रिमाइंडर मिल जाएगा देन बाबा जी के तरीके में वैक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया अब वैक्टर को बनाना कैसे है या वन डायमेंशनल एरे को बनाना कैसे है इम्पोर्ज रे फाइव 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 वो हमने लिखती ए बन गई टाइप ए की क्या है जनाब ये एन डी है ठीक है टाइप का जब हम लिखते हैं सॉरी एंड देन लेंथ अगर मालूम करनी है एरे की तो हमें पता है जीरो वन टू थ्री ये तीन है ठीक है अगर हमने इंडेक्सिंग करनी है तो जो जीरो पॉइंट पे है मतलब ये वाला आपको पता है इंडेक्सिंग वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो ये यहां से देख सकते हैं अगर आपने सारे के सारे को प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप सिंपली ए लिखेंगे तब भी प्रिंट हो जाएगा देन हम देखते हैं टू डायमेंशनल एर द नम पाई एन डी एर क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट बोथ मेट्रिस एंड वैक्टर्स एन डी एर जो है ना ये नहीं है कि सिर्फ ये एक डायमेंशन या टू डायमेंशन के लिए यूज़ होती है यू कैन यूज़ इट एक्चुअली फॉर बोथ डायमेंशन एंड आई एम यूजिंग इट जब आप टाइप लिखते हैं यहाँ पे इसकी भी एन डी एर आई है और जब हमने पीछे यहाँ पे इसकी टाइप देखी थी तो, तो इसकी भी एन डी एर है तो ये क्लास है क्लास क्या होती है वो विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर इन आवर अपकमिंग सेशन और मैट्रिक्स रेफर्स टू एज एन एरे ऑफ टू डायमेंशन तो मैट्रिक्स कैसे बनाना है सिंपली आपने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना देनी है मैं सेम एक्जाम्पल को दोबारा उठा के ले आया हूँ अभी चलते हैं जी डेटा साइंस का बला वाला कोर्स जो है ना वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है वन और टू डी तो बड़ी देर से लोग कर रहे हैं बट थ्री डी पे कम ही लोग आते हैं क्यों उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ फॉर थ्री डी और हायर डिमेंशनल एरेज द टर्म टेंसर इज़ आल्सो कॉमनली यूज्ड अब टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है हम उसको भी देखेंगे आई एम नॉट रिलेटिंग इट विद द टेंसर बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया जब हम टेंसर की बात करेंगे तो उसमें थ्री डायमेंशनल या थ्री से भी ज़्यादा डायमेंशंस आएंगी हमारे पास थ्री और मोर डायमेंशन ठीक है तो वो एरेज बनाने के लिए वी यूज लाइक दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन जे के एंड आई अब आप देखें टेंसर फ्लो इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है लाइब्रेरी फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे साथ पढ़नी है या मशीन लर्निंग पढ़नी है देन यू हैव टू गो थ्रू दिस टेंो लाइब्रेरीज दिस टेंेरीज मेरी इंग्लिश खराब है यू नो दैट आई एम सॉरी फॉर दैट एंड एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कीप इट फिर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं इस कोर्स में आपको टेंसर फ्लो सिखाऊंगा यार कितनी दफा मैंने कह दिया मज़ा आ रहा है ना कोर्स का आई नो इट फिर हम बात करते हैं एरे के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बड़े ग्राफ्स आपने बनाए होंगे बहुत देखा होगा कि एक्सिस क्या होते हैं ठीक है आज आपको एक्सिस को फ्लिप करके दूसरी साइड दिखाने लगा दुनिया की दूसरी साइड एक्सिस की दुनिया की डायमेंशन आर कॉल्ड एक्सिस एंड वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस ये हमने टू डायमेंशनल एरे बनाई वन एंड टू और यहाँ पे हमने तीन लिस्ट के बजाय दो रख दी ठीक है तो यहां पे आप देखें हमारे पास एरे इस तरह के से आ गई अब हमारे पास जब हम एक ग्राफ बनाते हैं एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस अगर हम इसी को फ्लिप करें तो एक इस तरह एक्सिस आ जाएगा और एक इस तरह आ जाएगा ठीक है तो फर्स्ट एक्सिस होता है हमेशा डाउन मतलब नीचे को ये पहला एक्सिस इसको याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक जब हम लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं एक से गिनती स्टार्ट होती है पहला एक्सिस ये तो कौन सा होगा कॉलम रट्टा लगाने के लिए मैं रट्टाबाजों को बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक रट्टावास था, था किसी दौर में और मेरे दोस्त जानते हैं कि हम बैठ के ऐसी चीजों से सारी चीजें बनाते थे वन को हम ऐसे लिखते हैं एक दैट मीन्स दैट्स फर्स्ट एक्सेस टू को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि टू का स्टार्ट इस तरह होता है तो वो ये राइट हैंड एक्सेस होगा मतलब रोज में वन एक्सिस फर्स्ट फर्स्ट एक्सेज में हमारे पास लेंथ जो है वो टू है वन टू ठीक है और जो सेकेंड एक्सेज है टू डी का वो है ये वाला इसमें हमारे पास लेंथ है थ्री तो इसका मतलब टू बाई थ्री का हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है राइट और एक्सिस भी मैंने आपको बता दिए क्यों एक्सिस जरूरी है क्योंकि बोलते हैं अगर सिंगल डायमेंशन है उसका एक ही एक्सिस होगा अगर डबल डायमेंशन है तो टू एक्सिस होंगे अगर तीन डायमेंशन है तो थ्री एक्सिस होंगे तीन डायमेंशन की बात मैं आपको बताता हूं आप। वन डी हमने इस तरह करना है हाउ टू क्रिएट एन एरे मैंने आपको बार बार बताया कि एक लिस्ट बनानी है एन पी डॉट एर लिख देना है एन पी डॉट जीरो एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम एक जीरो वाली एरे बना लेते हैं एंड देन वी कैन रिप्लेस इट लेटर ऑन फिर हम वन वाले भी एक है कि हमने सिर्फ वन 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 लिख के ही एरे बनानी है फिर हम एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं ठीक है एंड देन एक्चुअली वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स इन पाइथन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इन सभी कोड्स की प्रैक्टिस करें यहीं पे पॉज नहीं ना किया पॉज करें चलें आप ऐसे ही करते हैं पॉज करें और इसे इसको प्रैक्टिस करें आपकी ध्यान है आपके ध्यान में है कि मैं स्किप कर जाऊंगा ना 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 मैं इधर ही हूं पॉज करें अच्छा आपने पॉज किया और प्रैक्टिस किया सो so कर ली होगी नेक्स्ट चलते हैं वन डी आ की दूसरी एग्जाम्पल्स पे आपने सिंपल रेंज दे के भी एक बना सकते हैं कि सिक्स तक एरे बनाएं तो जैसे कि आपको पता है कि एन पी डॉट ए रेंज ए रेंज का मतलब है हमने एक ए ए का मतलब एक रेंज दी नहीं है सिक्स तक तो जीरो से स्टार्ट होती है हमेशा पाइथन uh, में लैंग्वेज में इंटीजर्स में जीरो वन नॉट इंटीजर बट कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग तो जीरो से स्टार्ट होती है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव दैट्स वाई द लास्ट डिजिट लाइक सिक्स इज एक्सक्लूसिव इन पाइथन यू शुड रिमेंबर दिस और मैंने बड़ी दफा बताया कि आखिरी डिजिट एक्सक्लूसिव होता है देन आप एक रेंज देने के बाद उसका क्या उसे बोलते हैं एक जीरो से मतलब टू टू ट्वेंटी रेंज भी दे सकते हैं स्पेसिफिक रेंज दे सकते हैं यहाँ पे हमने सिर्फ कहा कि छः तक है यहाँ पे हम डिफरेंट स्पेसिफिक रेंज देते हैं कि दो से स्टार्ट होकर बीस तक जाए तो आप देखें कि बीस बीस तक आया लेकिन बीस एक्सक्लूसिव है देन आप एक रेंज देने के बाद उनका वक्फा भी बता सकते हैं कि दो के इंटरवल के साथ दो से बीस तक जाओ लेकिन हर दो के बाद मतलब दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस एक्सक्लूसिव है ठीक है क्योंकि पाइथन में बीस एक्सक्लूसिव होता है क्यों क्योंकि इट स्टार्ट्स विद जीरो और इसकी और भी रीजन है वी विल टॉक अबाउट लेटर अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गूगल इट ठीक है फिर देन लीनियरली स्पेस्ड एरेज हम क्या करते हैं एक एरे बनाई लेन स्पेस के फंक्शन से एंड देन जीरो से टेन और नंबर का जो बीच में हमने बताया कि पांच नंबर हमारे पास हैं ठीक है तो ये लीनियरली स्पेस पांच नंबर आ जाएंगे जीरो से टेन तक ठीक है जो आपस में जिनका एक नंबर से दूसरे का डिफरेंस सेम होगा मतलब उसमें एक ही क्वांटिटी जमा करते जाएं तो हमारे पास एंड पे आखिरी नंबर तक सेम नंबर आ जाएगा जैसे दो में दो जमा करें चार फिर दो जमा करें छः तो इस तरीके से आप लीनियरली वो कर सकते हैं और यहाँ पे जो लीनियर है हमारा पाँच नंबरों वाला है तो वो दस के अंदर ऐसे पाँच नंबर सर्च करेगा जिसका आपस में डिफरेंस तकरीबन सेम हो तकरीबन बिल्कुल बिल्कुल सेम स्टॉप करें प्रैक्टिस करें डिफरेंट नंबर्स के साथ एंड पुट दीज कोड्स इन यूट्यूब कमेंट्स और आइंदा से आपको जो कमेंट सेक्शन में लिखने को कहूँ आपको लिखना मस्ट होगा आई एम सॉरी टू से अगर आपने इस चिल्ले में जूम की क्लासेज अटेंड करी तो दीज आर द मस्ट थिंग्स देन हाउ टू क्रिएट एन एरे फॉर वन डी इसमें एक और चीज़ आ जाती है स्पेसिफिक डेटा टाइप एन एर ए में दे सकते हैं मतलब आप कहते हैं कि सिर्फ इंटीजर की हमें एर मिले एरे मिले ठीक है तो ये देखे मैं कहता हूँ कि एन पी डॉट वंस फाइव हमने लिखा कि पाँच आए एक एक एंड डायमेंशनल टाइप या उसकी जो डेटा टाइप है सॉरी डायमेंशनल डेटा टाइप वो इंटीजर की हो एन पी डॉट इंट एट एंड देन अगेन हियर लाइक दैट और यहाँ पे एन पी डॉट फ्लोट सिक्सटी फोर तो इसके लिए आपके लिए फ्लोट मिल जाएगा वन पॉइंट समथिंग होगा अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं इंट एट क्या होता है इंट सिक्सटीन क्या है इंट थर्टी टू क्या है इंट सिक्सटी फोर क्या है या फ्लोट थर्टी टू फ्लोट थर्टी फोर क्या है यू हैव टू एक्चुअली सर्च ऑन गूगल क्यों सर्च करना है क्योंकि ये वो कंसेप्ट है जो बिट बाइट्स के चलते हैं जो बहुत बेसिक है कंप्यूटर साइंस की बट आई डोंट वांट टू टेल दिस क्योंकि हमारे लिए जितना जरूरी है मैं आपको उतना बता रहा हूँ बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल इट इज़ रियली ईजी ठीक है फिर टू डायमेंशनल एरे हमने जो उसके फंक्शन है एनपी डॉट जीरो थ्री बाय फोर का बनाना है थ्री बाय फोर फर्स्ट एक्सिस थ्री का दूसरा एक्सिस फोर का सिंपल एनपी वन फाइव बाई सी एमपटी थ्री बाय फोर का थ्री बाय फोर एमपटी बन गया तो टू डी एरे भी आपने इस तरह बनानी है एंड देन हाउ टू क्रिएट एन एरे फोर थ्री डी डायमेंशन यू हैव टू एक्चुअली राइट थ्री डैश डी एर ए ये एक क्या उसे कहते हैं जब आपने नोटबुक बनानी तब देन मेकिंग एंड रीशेपिंग है थ्री डी एर ए मेकिंग कैसे है जी एन पी डॉट ए रेंज ट्वेंटी फोर की डॉट रीशेप उसे करना है टू बाय थ्री बाय फोर ठीक है तो इस तरह बनेगी टू बाय एक मिनट ये एक होगी अरे ये होगी दो टू होगी ये ठीक है एंड देन बाई थ्री का मतलब है जीरो वन जीरो फोर एट ये बाय थ्री होगी ठीक है एंड देन फोर जीरो वन टू थ्री ये फोर है टू का मतलब यहां से यहां तक एक है यहां से यहां तक दो है ठीक है मतलब एक ये है और एक ये है ठीक है टू ये होगी वन टू थ्री सेकेंड डायमेंशन ये होगी वन टू थ्री फोर ये होगी फोर्थ थर्ड डायमेंशन तो थ्री डी हम इस तरह बनाते हैं अब थ्री डी एरे को आप किस तरह देखना है ये देखें कि एक्सेस जीरो है जीरो में पहले कितने नंबर ऑफ डायमेंशन हैं वो हमने देख लिया वन टू यहाँ पे पहला एक्सिस इसका क्वांटिटी ऑफ एरेज है ठीक है एंड देन एक्सिस वन के अंदर हमने देखना है कि कितने ये वाली चीज आ रही है ठीक है और एक्सिस टू के अंदर ये अब आप देखें कि यहाँ पे एक्सिस ज़ीरो आ गया और ये एक्सिस वन और टू तो पहले ही थे और जीरो एक्सिस जो है वो इसको हम जी एक्सिस भी बोलते हैं थ्री डी डिमेंशन की जुबान में बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स कि हमने किस तरीके से करना है बट यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू मेक इट ठीक है तो रिबिस्को जो क्यूब है कलर क्यूब जो होता है उसके एग्जाम्पल्स इसी तरह ही हैं तो एक्सेस जीरो एक्सेस वन एंड एक्सेस टू तो पाइथन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए आप तैयार रहें और ये जितनी भी मैंने आपको वीडियो के अंदर कमांड्स दी हैं ये इसको प्रैक्टिस करें एंड देन एक्चुअली आई एम गोइंग टू शो यू इन अपकमिंग वीडियो हाउ टू मेक एंड यूज दीज एर तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप वर्किंग हार्ड और कहीं जाना नहीं है आपने इस पर प्रैक्टिस करें आज और जो मीटिंग हमारी आने वाली है उसके अंदर हम इस पर और भी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं होपफुली आपने नम की एरेज को इंजॉय किया होगा इफ़ यू हैव इंजॉयड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स वट एवर आई आस्क यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इट कीप्स अस कनेक्टेड इससे ये होगा कि मैं मुझे पता होगा कौन बंदा लेक्चर्स ले रहा है और किसको समझ कितनी आ रही है एंड दैन आई कैन एक्चुअली आंसर दैम इन द कमेंट सेक्शन टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह निगेबान